हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। जब भी हम किचन में होते हैं या कुछ काम कर रहे होते हैं, पीछे से आवाज आती है, क्या कर रहे हो? हम कहते हैं मैं रोटियां बेल रही हूँ, सब्जी बना रही हूँ, दूध उबाल रही हूँ, सफाई कर रही हूँ। तो इस तरह की जब हमें रियल लाइफ इंग्लिश बोलनी हो तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस तरह से बोले। तो आज मैं आप लोगों को वही रियल लाइफ इंग्लिश सिखाऊंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर नेक्स्ट पार्ट ऑफ डेली कन्वर्सेशन ऑफ इंग्लिश। तो कुछ सेंटेंसेस है जो हम करते हैं, घर में कुछ काम कर रहे होते हैं और हमें कुछ पूछता है तो हम किस तरह से आंसर देते हैं। मान लीजिए आप रोटियां बना रही हैं, तो आप कहेंगे मैं रोटियां बेल रही हूँ। तो कैसे बोलेंगे इसको? आई एम रोलिंग चपातीस। रोलिंग का मतलब होता है बेलना, और जिस बेलन से हम रोटियां बेलते हैं उसे कहते हैं रोलिंग पिंस। ये मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ। तो रोटियां बेलने को हम बोलते हैं रोलिंग चपातीस। आई एम रोलिंग चपातीस, मैं रोटियां बेल रही हूँ। मान लीजिए हम आटा गूंद रहे हैं तो क्या बोलेंगे? आई एम नीडिंग द डो। नीडिंग का मतलब होता है गूंदना। इसमें जो के है वो साइलेंट होता है, ठीक है? नीडिंग, नीडिंग मतलब गूंदना, और डो का मतलब होता है आटा, ठीक है? आई एम नीडिंग द डो, मैं आटा गूंद रही हूँ। मान लीजिए आप दूध उबाल रहे हैं तो क्या बोलेंगे? आई एम बॉइलिंग द मिल्क। आई एम बॉइलिंग द मिल्क। अगर आप किसी को बोल रहे हैं दूध उबाल दो तो आप बोलेंगे बॉइल द मिल्क। ओके, दूध उबल गया है, दूध उबल गया है तो ये क्या बोलेंगे? द मिल्क हैज बॉइल्ड ओवर। दूध उबल गया है, दूध उबालना है तो बॉइल द मिल्क, और दूध उबल गया है तो द मिल्क हैज बॉइल्ड या मिल्क हैज बॉइल्ड ओवर। अगर दूध बह गया है, कई बार ऐसा होता है हम दूध रख करके कुछ और काम में लग जाते हैं तो दूध बह जाता है, तो दूध बह गया है ऐसा बोलना है तो क्या बोलेंगे? द मिल्क हैज स्पिल्ड। स्पिल्ड मीन्स ऊपर से बह जाना, कोई चीज उबल करके ऊपर से बह जाती है उसको कहते हैं स्पिल्ड। द मिल्क हैज स्पिल्ड। दूध खराब हो गया है, कई बार दूध उबालना भूल जाते हैं हम तो दूध खराब हो जाता है, तो कहते हैं दूध खराब हो गया है। इसी कैसे बोलेंगे? द मिल्क हैज कर्डर्ड। द मिल्क हैज कर्डर्ड। इसका पानी जलकर सूख गया है। कई बार कुछ चीज हम बनाते हैं, सब्जी वगैरह गैस पर रख करके भूल जाते हैं, उसका पानी देखना भूल जाते हैं, तो क्या होता है कई बार पानी जलकर सूख जाता है तो क्या बोलेंगे? द वॉटर हैज ड्राइड अवे। कई बार सब्जियों का पानी सूख जाता है, जल जाता है, तो क्या कहेंगे? द वॉटर हैज ड्राइड अवे, ठीक है? ये सारे जो सेंटेंसेस है हम ये घर में यूज करते हैं अपने किचन में, तो इन सेंटेंसेस को हमें इंग्लिश में कैसे बोलना है, छोटा छोटा बोलना शुरू करेंगे और जब इसकी हैबिट हो जाएगी तो ये हमारे रूटीन में आ जाएगा और अच्छा भी लगेगा। तो बोलना शुरू करेंगे आज से ही। इनमें से कौन से सेंटेंस आपको अच्छे लगते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है, दूध गाढ़ा होने तक उबालो। कुछ हम डिश बना रहे हैं दूध से तो हम बोलते हैं दूध को गाढ़ा होने तक उबालो। खीर बना रहे हैं तो बॉइल टिल द मिल्क इज थिकंड। बॉइल टिल द मिल्क इज थिकंड, दूध को गाढ़ा होने तक उबालो। बॉइल टिल द मिल्क इज थिकंड। लगातार चलाते रहो। कई बार हम खीर बनाते समय बोलते हैं दूध को लगातार चलाते रहो, तो लगातार चलाते रहने के लिए क्या हम वर्ब यूज करते हैं? स्टिर। स्टिर कॉन्स्टेंटली, लगातार चलाते रहो। स्टिर कॉन्स्टेंटली, कॉन्स्टेंटली मतलब लगातार चलाते रहो। और देखते हैं जब कभी हम सब्जी बनाते हैं उसको टेस्ट करते हैं, देखते हैं पकी है या नहीं पकी है ना, तो कई बार कहते हैं कच्चा है अभी, है ना, तो क्या बोलेंगे? इट्स नॉट कुक्ड येट, यह अभी कच्चा है। इट्स नॉट कुक्ड येट, यह अभी तक कच्चा है। येट मतलब अभी तक, ठीक है, यह अभी पका नहीं है। इट्स नॉट कुक्ड येट। तड़का भून दो। कुछ चीज हम बनाते हैं, तड़का बनाते हैं, प्याज को भूनते हैं, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं सौते, ठीक है? कई बार ये कहते हैं प्याज भून दो तो उसके लिए भी हम कहेंगे सौते द ऑनियन, या तड़का भून दो तो सौते द मिक्सचर, बिकॉज तड़का क्या है, बहुत सारे मसालों का मिक्सचर होता है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे सौते द मिक्सचर। या फिर हम कहते हैं ऑनियन भून दो या प्याज भून दो तो कहेंगे सौते द ऑनियन। और देखते हैं कुछ सेंटेंसेस, जैसे हम बोलते हैं प्याज काट दो, किसी की हेल्प लेते हैं किचन में, चोप द ऑनियन, प्याज काट दो। सब्जी पक गई है, वेजिटेबल इज कुक्ड। सब्जी में आलू भी कच्चे हैं। मिक्स सब्जी बनाते हैं तो कोई सी सब्जी कच्ची रह जाती है, इसको हम कह सकते हैं पोटेटोज आर नॉट कुक्ड येट इन वेजिटेबल। नॉट कुक्ड येट, ये जो येट वर्ड है ये हम निगेटिव फॉर्म में लगाते हैं।
सब्जी अभी पकी नहीं है, वेजिटेबल इज नॉट कुक्ड येट, सब्जी में आलू नहीं पके हैं, पोटेटोज आर नॉट कुक्ड येट इन वेजिटेबल, ये बहुत तीखा है। सभी टेस्ट कर रहे हैं, बच्चे बोलते हैं मम्मी ये बहुत तीखा है, इट्स वेरी स्पाइसी, बहुत तीखा है। सब्जी छील दो, हेल्प ले रहे हैं किसी किचन में, सब्जी छील दो या फ्रूट्स छील दो। तो छीलने के लिए वर्ड हम यूज करते हैं पिल, पिल द वेजिटेबल, पिल द फ्रूट्स, पिल द रेडिश, पिल द कैरेट, इस तरह से छिलकर खाते हैं जिन सब्जियों को, पिल द वेजिटेबल। छिलके डस्टबिन में डाल दो, सब्जियों को छिलने के बाद जो छिलके हैं उनको डस्टबिन में डाल दो, थ्रो द पिल्स इन डस्टबिन, थ्रो द पिल्स इन डस्टबिन। आंच तेज कर दो, हम किसी को बोलते हैं हम दूसरा काम करने लग जाते हैं तो कहते हैं किसी को थोड़ी आंच तेज कर दो या आंच धीमी कर दो, टर्न अप द हीट, टर्न अप द हीट मीन्स आंच तेज कर दो। उबलने तक पकाना है, कुक इट टिल बॉइलिंग, इसको उबलने तक ही पकाना है, कोई सब्जियां हम सिर्फ उबलने तक पकाते हैं तो कहते हैं कुक इट टिल बॉइलिंग, जब तक उबलती है तब तक ही पकाना है, कुक इट टिल बॉइलिंग। खाना कब तैयार होगा, बच्चे पूछते हैं मम्मी खाना कब तैयार होगा, व्हेन विल द मील बी रेडी, व्हेन विल द मील बी रेडी, भोजन को हम कहते हैं मील, व्हेन विल द मील बी रेडी, भोजन कब तैयार होगा या खाना कब तैयार होगा। बच्चों को हम कहते हैं खाना खाते समय ठीक से बैठो, है ना, तो कैसे कहेंगे, सिट वेल व्हाइल ईटिंग, सिट वेल व्हाइल ईटिंग, खाना खाते समय ठीक से बैठो। देखिए इनमें से कौन से सेंटेंसेस आप बोलते हैं डेली में अपने बच्चों को या अपने फैमिली मेंबर्स के साथ में, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। देखते हैं कुछ और सेंटेंसेस। रोटियां सेकने के लिए तैयारी करते हैं हम, क्या करते हैं तवे को गर्म करते हैं, तो क्या कहेंगे, प्री हीट द ग्रिडल, तवा गर्म कर दो, प्री हीट द ग्रिडल। मान लीजिए ओवन में कुछ काम करना है तो हम कहते हैं ओवन को पहले से गर्म कर दो, है ना, तो क्या कहेंगे, प्री हीट द ओवन। तवे को इंग्लिश में कहते हैं ग्रिडल, ये पिछली वीडियो में पढ़ा हमने। आटा छान दो, सिफ्ट फ्लोर, जिस छन्ने से आटे को छानते हैं उसे कहते हैं फ्लोर सिफ्टर या सीव भी कहते हैं, कल ही पढ़ा हमने फ्लोर सिफ्टर और सीव। आटा छान दो, सिफ्ट फ्लोर, चाय छान लो, स्ट्रेन द टी, दोनों में डिफरेंस है, चाय छानने के लिए वर्ड यूज करें स्ट्रेन और आटा छानने के लिए सिफ्ट। जिस छन्ने से चाय छानते हैं उसे क्या कहते हैं, टी स्ट्रेनर, और जिस छन्ने से आटा छानते हैं उसे कहते हैं फ्लोर सिफ्टर या सीव। ओके, आटे के छोटे छोटे पेड़े बना लो, रोटियां बनाने के लिए छोटे छोटे पेड़े बनाते हैं हम, क्या कहते हैं, शेप द डो इंटू स्मॉल लोव्स, छोटे छोटे पेड़ों को कहते हैं लोव्स, शेप द डो इंटू स्मॉल लोव्स। रोटी पलटा दो, स्वाइप द चपाती अपसाइड डाउन, चपाती को पलटा दो, स्वाइप द चपाती अपसाइड डाउन। चाय ठंडी हो गई है, द टी हैज कूल्ड, चाय ठंडी हो गई है, द टी हैज कूल्ड, चाय गर्म कर दो, वार्म द टी प्लीज, चाय गर्म कर दो, वार्म द टी प्लीज। उबालने में और गर्म करने में डिफरेंस है, कई बार हम कहते हैं दूध उबाल दो और कई बार हम कहते हैं दूध गर्म कर दो, तो दोनों में अंतर है, दोनों बार ही हम बॉइल वर्ड यूज नहीं करेंगे, जब उबालना हो तो कहेंगे बॉइल द मिल्क और जब गर्म करना हो तो कहेंगे वार्म द मिल्क। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ सेंटेंसेस डेली कन्वर्सेशन के जो हम किचन में यूज करते हैं। अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन टाइम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टीयर, इसी वीडियो में अभी हमने पढ़ा है, तो जस्ट टेल मी इन कॉमेंट सेक्शन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टीयर। We will learn in next video some more phrases which we are using in our daily conversation. Till then, keep practicing and have fun. Bye-bye.